वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर मोहम्मद इरज खान, लेक्चर नंबर 213, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6। आज के लेक्चर में 3 एग्जाम्पल हम सीखने वाले हैं। सेकेंड ईयर का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा है हमने सब्स्टिट्यूशन की 3 टर्म है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 3 ऐसी टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी हैं। 2 में ए स्क्वायर एंड में आ रहा है, 1 में माइनस, 1 में प्लस है और 1 में शुरू में आ रहा है, तो इसको आप आसानी से याद कर लें। पहले अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। कहीं पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर कहीं लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो उसकी जगह पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लें, 1 + 10² θ इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 वहाँ रहेगा, माइनस का रहेगा तो 10² θ बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा ये बराबर है ln sec थीटा प्लस 10θ प्लस c। सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन में इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इन्वॉल्व पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/√25 + 4x² dx। पहला काम सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर में लेकर आना है ताकि हमें पता चल जाए कि क्या टर्म बन रही है। देखें x का सिंगल होना जरूरी है, फॉर्मूले में x हमेशा क्या है सिंगल है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। देखें क्या लिखा है 4, जब मैं 4 को कॉमन निकालूंगा रूट के अंदर ही तो 25 के नीचे 4 आ जाएगा और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी नंबर x के साथ लिखा हो 8, 9, 10 आप उसको कॉमन निकाल लें और दूसरे वाले नंबर के नीचे वो डिवाइड कर दें। अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ गया, प्लस का प्लस फिर 4 एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा 4x² वापस हम उधर ही पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने करना क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा अकेली होनी चाहिए, ए स्क्वायर तो ये 25 और 4 दोनों के अंडर रूट यानी कि स्क्वायर निकलने चाहिए, बनने चाहिए। देखिएगा 4 का रूट होता है 2 तो ऊपर नीचे ये नीचे वाली वैल्यू में 1 ऊपर है, एलईडी कुछ नहीं आता तो 1 आता है, नीचे का 4 रूट निकालेंगे तो 2 बचेगा। इंटीग्रेशन dx अब देखें 25 किसका रूट है 5 का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर बन गया। यानी ये पूरी टर्म ए स्क्वायर प्लस यानी टर्म एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। देखें ए किसके बराबर है 5/2 के तो 5/2 रख दें यहाँ पर, बोथ साइड पे डेरिवेटिव dx/dθ 5/2 d/dθ 10θ। dx अपनी जगह एज इट इज 5/2, 10θ का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है sec²θ dθ। 10θ का डेरिवेटिव क्या है sec²θ, dθ ये डिवाइड है वहाँ जाएगा तो dθ, ये नीचे dx/dθ है तो ये dθ वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 sec²θ dθ। मजीद कंडीशन देखने 1/2 देखें ये बाहर आ गया, dx की जगह पे वैल्यू आ गई, dx की जगह पे क्या वैल्यू आई है हमारे पास 5/2 sec²θ dθ, 5/2 का स्क्वायर प्लस का प्लस x बराबर है 5/2 tan थीटा पुट कर दें। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 सेम आ गया, 5/2 sec²θ dθ, 5/2 का स्क्वायर
5/2 देखे कॉमन निकाले रूट के अंदर थे, तो 5/2 मैंने रूट अंडर रूट अलहदा कर लिया। अब यहाँ बचा 1 प्लस का प्लस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। मैंने 5/2 दोनों तरफ से क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। तो ताकि आसानी से एक कंडीशन बन जाए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec² θ। देखिएगा 5/2 1/2 सेम sec² θ d θ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ट्रम बचे 5/2 अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sec² θ। ये 5/2 ये 5/2 कैंसिल, sec² θ d θ अंडर रूट sec² θ। अब देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ बचेगा अपॉन में sec θ, ऊपर बचेगा sec² θ d θ। नीचे का sec θ और ऊपर का sec² θ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी टर्म बचेगी इंटीग्रेशन sec θ d θ। 1/2 सेम आ गया। अब हमें मालूम है इंटीग्रेशन sec θ d θ इज इक्वल टू ln sec θ प्लस tan θ प्लस c होता है। तो दोनों की जगह क्या बोला जाएगा, 1/2 ln sec θ प्लस tan θ प्लस c। थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकलेगी वो आएगी, वो कैसे निकलेगी देखें, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 2x5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और tan इनवर्स हो जाएगा हमारे के। अगर आप sec θ और tan θ की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आ रही है √25 प्लस 4x² 5 प्लस 2x/5 प्लस सी। तो इसका मजीद एलसीएम लेंगे तो 5 दोनों जगह कॉमन है, एक ही दफ़ा लिख देंगे ऊपर √25 प्लस 4x² प्लस 2x। तो अब tan θ की वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये वैल्यू कैसे आई है, ये बता रहा हूँ 2/x, ये देखें, ये देखें 2 यहाँ डिवाइड था, वहाँ x से जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई था नीचे लाके डिवाइड कर दिया, और ये होता tan θ, tan θ बचा। अब क्या किया, sec θ बराबर होता है, देखें ये sec θ, ये स्क्वायर हमारा के क्या होगा, रूट बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर θ। ये फॉर्मूले को मैंने ऐसे बना दिया है। अब मुझे मालूम है tan θ किसका बराबर है, 2/5 x के, ये मैंने बारी बारी पुट किया 2/5 x। अब इसको मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 1 का 1 ही आ गया प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, x² √25 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 4 प्लस 1 4x² / 25, 25 + 4x² / 25, √25 + 4x² / √25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है जी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन रहा है, वही जस्ट लाइक देखें sec θ का आंसर आ गया √25 प्लस 4x² / 5, ये आ गया प्लस, ये इधर से हमने एक्स का आंसर निकाल लिया, देखें ये देखें यहाँ 2 यहाँ डिवाइड था, हमारे का मल्टीप्लाई कर दिया 2x/5, यहाँ से हमने tan θ का आंसर निकाल लिया 2x/5, और ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ये हमारी बुक का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने कर लिए, अब 5 की तरफ चलते हैं, फिर वही वाली ड्रम, पहले √dx/25 प्लस 4x², अब क्या करेंगे 4 दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे, 25 से नीचे 4 आ जाएगा, फिर 4 बाहर आ गया तो यहाँ खाली x² बचेगा, ये बाहर निकालेंगे तो 1/4 5/2 का स्क्वायर प्लस x² सेम कंडीशन x = 5/2 a tan θ। अब 5/2 बाहर निकाल दें तो ये √dx tan θ, आई थिंक वही वाला सवाल हमने दोबारा रिपीट कर दिया है, dx = 5/2 sec² θ d θ। मजीद इसको देख लेते हैं, 5/2 sec² θ d θ, फिर इसको कॉमन निकाल लें 5/2 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर θ, ये बराबर होता है sec² θ के। अच्छा सारी की सारी कंडीशन सेम है उसी तरह, लेकिन यहाँ रूट नहीं है, मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया कि वही सारा काम करेंगे, सिर्फ रूट नहीं है। 5/2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, देखिए यहाँ ऊपर 5/2 एक है, नीचे 5/2 का स्क्वायर है, तो क्या होगा भाई, ये मैं ऊपर लेके गया था ये 2/5 हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब ये क्या करेंगे भाई कि ये दो दफ़ा लिखा हुआ है,
तो हमने मैंने उसको दोनों दफा लिख के बताया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 अपॉन 2, यहाँ का टर्म चली गई sec² θ, 10 आ गया, ये 1, ये कॉमन निकला, तो ये 1 प्लस sin² θ, ये बराबर है sec² θ के, sec² से sec² कैंसिल हो जाएगा, टर्म बनेगी इंटीग्रेशन d θ, 1 2 1 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 अपॉन 5, बचा तो ये आ गया, इंटीग्रेशन sec² θ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टर्म बचेगी d θ। अब मुझे मालूम है इंटीग्रेशन d θ बराबर है थीटा के, इंटीग्रेशन dx होता तो x के बराबर होता, इंटीग्रेशन dy होता तो y के बराबर होता, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। 2.5 इंटीग्रेशन d θ किसके बराबर है, थीटा के प्लस c। अब हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2x अपॉन 5, 10 वाला के इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 2x अपॉन 5 प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 3, a² - x² की कंडीशन है, तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है कि भाई अगर ऐसी टर्म आए तो पहले इसको सॉल्व करना है, पुट x = a sin θ। शुरू वाले लेक्चर में पहले तीनों कंडीशन ने पहले ही आपको बता दी है, अब बोथ साइड पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले a की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास यहाँ a कितना है, यहाँ a की जगह a ही आ जाएगा, और यहाँ जो टर्म आ रही है पुट x = a sin θ, x = 5 sin θ, ये 5 कैसे आई है टर्म, ये थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई है, आप ए ही लिख दें, ठीक है, सही है जी, ठीक है, ये गलत है, इसको नहीं, ये काट दें, कैंसिल कर दें, पुट x = a sin θ, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dx/dθ विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, d/dx sin θ, ठीक है जी। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos θ, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप याद कर लें, मैंने आपको बता दिया a का a ही आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos θ, d θ डिवाइड था वहाँ जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सही है जी। तो टर्म बनी a cos θ d θ, dx की जगह आएगा a cos θ d θ, तो मजीद हम देख लेते हैं, ये आ गया dx की जगह a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, cos θ d θ आ गया, ये a² आ गया, माइनस का माइनस, x² की जगह a sin θ है ना, तो a sin θ का स्क्वायर, होल पावर कितनी है, 3/2, a का ये आ गया cos θ d θ, a² माइनस ये a² sin²θ दोनों के ऊपर आ गया, 3/2। अब मैंने मजीद देखें, ये आ गया a² sin²θ cos θ d θ, ये आ गया, अब इसमें ने क्या करा, a² कॉमन निकाला, जब ये कॉमन निकाला तो इसकी जगह तो आ गया 1, माइनस का माइनस, ये बाहर निकाल दिया, sin²θ sin²θ, होल पावर देखो, ये a² पर भी आ रही है 3/2, और sin² पर भी, तो a² पर भी लगाएंगे, और ये जो तो कॉमन निकाला है इसकी जगह इसके ऊपर भी ये पावर हम यूज़ करते हैं, या क्या cos θ d θ, 2 से 2 कैंसिल, a की पावर 3, 1 - sin²θ बराबर है cos²θ, अब 3/2, a का ये आ गया, अब हमने क्यूब आ गया cos θ d θ, ये हमारे पास आ गया cos³θ, तो अब क्या करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा a, और नीचे 3 है तो 1 कैंसिल होगा तो 2 बचेंगे, या a² कर लें, बाई मिस्टेक मैंने a ही लिख दिया है, ठीक है, 1/cos²θ d θ। अब हमें मालूम है कि 1/cos θ बराबर होता है sec θ के, स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर भी लगा दें d θ। अब इंटीग्रेशन sec²θ d θ, ये बराबर होता है tan θ के, इंटीग्रेशन sec²θ d θ, ये बराबर है tan θ प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c आ गया। अच्छा, यहाँ जो कंडीशन थी, यहाँ a क्यूब है तो एक के ऊपर से कैंसिल हो गया, नीचे का एक कैंसिल हुआ, तो यहाँ स्क्वायर कर लें, 1/a² 1/a² tan θ प्लस c,
ये आपकी बुक का आंसर है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर थीटा की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, तो उसको भी देख लेते हैं। वन अपॉन है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ये फार्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया, टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ये एक नई कंडीशन आ गई, नया फार्मूला, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, बहुत सारे डेरिवेटिव, ए कॉन्स्टेंट नंबर था बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी एक्स सेक थीटा, ए का ये आ गया डी अपॉन डी एक्स सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा टेन थीटा के। अब ये ए का ये आ गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डी थीटा, क्योंकि डी थीटा ने डिवाइड था हमारे का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें भाई ये अंडर रूट का अंडर रूट एक्स बराबर आया हमारे पास ए सेक थीटा, ए सेक थीटा पुट कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एक्स बराबर है किसके ए सेक थीटा के नीचे ए सेक थीटा आ गया, और डी एक्स की वैल्यू आई ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये ए और ये ए कैंसिल सेक थीटा कैंसिल, तो टर्म बनेगी वो बनेगी अंडर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन थीटा डी थीटा। ठीक है भैया, अब आपने करना क्या है कि भाई ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो बता सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर पे रूट है तो रूट से बाहर आएगा तो ए बचेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, ये आ गया इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा आ गया डी थीटा आ गया। ठीक है भैया, अब क्या क्या हमने स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए का ए टेन थीटा ये भी टेन थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे टेन थीटा दो दो बार हैं तो ये हमारे पास ए का ए इंटीग्रेशन वन ओ वन मिल के टेन स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर होता है ए टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया था। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन का इशू आ रहा है तो सही करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको क्या मसला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे लेक्चर में। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे ए से होगा इंटीग्रेशन और डी थीटा इससे भी हो गया माइनस का माइनस ए वन सा ए हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि ए का ए ही आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए भाई ये माइनस डी थीटा जो चल रहा था, सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है टेन थीटा के, किसके बराबर होता है टेन थीटा, ए का ए आ गया माइनस का माइनस ये ए एज इट इज इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर होता है थीटा के प्लस सी। अब मुझे मालूम है कि थीटा बराबर है, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा ए यहाँ डिवाइड कर दें एक्स अपॉन ए सेक मारा के सेक इनवर्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा की जगह ये आ गया ए का ए आ गया, इस थीटा की जगह भी यही आ गया सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए टेन का टेन ए का ए आ गया प्लस सी, ये आपकी बुक का आंसर भी है। थैंक यू वेरी मच, इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा, मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरश खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा हमारे मोबाइल में इशू चल रहा है कि देख लेते हैं क्या